वैसे तो हमारे संत जन जी महाराज को भी नहीं पता था और जो हरियाणा के हेड उनको भी नहीं पता था कि मैं इस संस्था में मेरा अनेक बार कुरुक्षेत्र में जाना हुआ। कुछ मेरे मित्र और रिश्तेदार इसके बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज यहां पे मुझे मौका मिला। मेरी तरफ से इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अहम बात आपने सबने देखी होगी, ये जितना प्यारा कार्ड है इसको मैंने बहुत जल्दी में गंभीरता से पढ़ा। जल्दी में इसलिए कि गुरुदेव जब चलते चलते मिले थे हम, और इसमें बड़ी देखने वाली बात है बहुत सारी जो तीन चार दिन डिफाइन किए गए हैं। देखो आप कलम का और कलम को विवेक की आंख कैसे दें और साहित्य प्राण कैसे फूके। श्री राम महिमा एवं रामायण मातम में श्री राम कल्पना नहीं यथार्थ है, और कल्पना और यथार्थ का अंतर यही है। जैसे व्यास कुल पर बैठी हमारी बहन बता रही थी आपको कि हम किस चीज को मानते हैं किस चीज को नहीं मानते हैं, ऐसे ही दूसरे दिन का आयोजन है श्री राम प्रसंग जो विशेष कर दिया गया है, श्री राम जन्मोत्सव एवं बाल लीलाएं। तीसरे दिन का प्रसंग दिया गया श्री राम राम विवाह उत्सव। ऐसे ही चौथे दिन का वन गमन भगत केवट, और उसके बाद श्री हनुमान भक्ति पथ विश्वास को दृढ़ करने की यात्रा युवा को शक्ति देके। देखो आज बाई चांस मंगलवार का दिन है, मेरा भी व्रत, आप सभी का बहुत सारे लोगों का मंगलवार का व्रत होगा, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है। हम चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हम सीखते हैं, जो जिसको मानते हैं, वो हम हर बार से मानते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले दिनों आप सभी ने देखा होगा टीवी पे, और कुछ ने जाके अयोध्या जी में श्री राम लला के जब उसका उद्घाटन किया मंदिर का, तो कितने 11 दिन मेरे ख्याल में व्रत किया गुरु जी। तो इस प्रकार से इन आयोजन से हमारा आचार विचार और व्यवहार, हमारी संस्कृति, हमारा थॉट प्रोसेस सभी बेहतर होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और एक बार फिर से प्रणाम व्यासपीठ को, शुक्रिया भेजता।